नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन सीड का जो टॉपिक है, इस सीड के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सीड में क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर पूरा जो सीड का टॉपिक यानी कि बीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो बीज है आपके सामने अलग अलग तरह के बीज दिखाए हुए हैं, यहाँ पे आगे इनको क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि कौन कौन से बीज होते हैं, किस हिसाब से यहाँ पे इनको डिवाइडेशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए बीज की डेफिनेशन क्या है। तो बीज की आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि बीज की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए सबसे पहले बेसिक तरीके से अपन बात करेंगे कि पौधे का वह पार्ट या पौधे का वह भाग जिससे नए पौधे का निर्माण होता हो उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। चाहे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है, यानी कि परिपक्व बीजांड भी कह सकते हैं। यानी कि अपने दो प्रकार से डेफिनेशन बनती है, एक तो परिपक्व बीजांड से बन सकता है और दूसरा है जिसे पत्ती से हो गया, जैसे पत्ती से किसी पौधे का निर्माण हो रहा है, जैसे पत्थर चट्टा है पत्ती से निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से क्या हो गया अभी बीजांड से नए यानी कि भूरण से नया बीज तैयार होता है उससे यानी कि बीज कहते हैं और ये एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बीज के लिए बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे बीज उत्पादन करने वाली कुछ एजेंसियां हैं जो कि भारत में राजस्थान में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में ही आप सभी को मैं बताने जाऊंगा कि यहाँ पे जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि बीज उत्पादक एजेंसियां। तो बीज उत्पादक एजेंसियां हैं कौन कौन सी है, सबसे पहले NSC यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। क्या है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, हिंदी में बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम के निगम, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना है वो सन 1963 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, सन 1963 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पे कि राजस्थान के अंदर, अब यहाँ पे भारत के अंदर जो बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी थी उसका नाम क्या था, NSC था। तो अब राजस्थान के अंदर प्रमाणीकरण संस्था भी होनी चाहिए, तो उस प्रमाणीकरण संस्था का क्या नाम था, तो उस प्रमाणीकरण संस्था का नाम है राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जो कि 1977 में स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों, 1977 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान में कौन सी संस्था है, RSSC, कौन सी, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन यानी कि राजस्थान राज्य बीज निगम है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1978 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 28 मार्च 1978 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे यहाँ पे हमने इंडिया की और भारत जो राजस्थान की जो एजेंसियां हैं उनके बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पे बात करेंगे बीज निगम यानी कि जो बीज के एक्ट है, इन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्ट कौन कौन से आए थे और कब पारित हुआ था और यहाँ पे ये कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है बीज से संबंधित ये क्वेश्चन आता है। आप सभी जो प्यारे दोस्त है वो सभी के सभी इसको स्टार दे देना है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। कई बार आप सबको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक क्वेश्चन ZE 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का आया था। आप सभी दोस्त एक बार चीज को पढ़ना है कि क्या है। जैसे देखिए सीड एक्ट संसद में बिल पारित हुआ, तो संसद में बिल कब पारित हुआ था, 29 दिसंबर 1966 में। कब हुआ था बिल पारित है, वो 29 दिसंबर 1966 को पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1966 के अंदर पारित हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे सीड एक्ट लागू कब हुआ था, सीड एक्ट कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सीड एक्ट है वो कब पारित हुआ, सीड एक्ट कब पारित हुआ, तो यहाँ पे पारित पूछा जाए तो कब पारित हुआ था दोस्तों, तो आप कहोगे कि सर 29 दिसंबर 1966 को पारित हुआ था। और इसके साथ में लागू कब हुआ, सीड एक्ट है वो कब लागू हुआ, सन 1969 के अंदर हुआ, यानी कि 69 के अंदर ये लागू हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे बीज कंट्रोल ऑर्डर यानी कि बीज नियंत्रण आदेश, यानी बीज नियंत्रण आदेश है वो कब लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, बीज जो नियंत्रण आदेश है वो कब हुआ था, 1963 के अंदर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, बीज जो नियंत्रण आदेश है वो कब हुआ था, यहाँ 1983 के अंदर हुआ था।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सन 2014 में जेट का ये क्वेश्चन रहा हुआ है कि सीड एक्ट है वो कब घोषित हुआ, यानी कि कब घोषित हुआ, ठीक है, अब कब घोषित हुआ इसके बारे में इन्होंने लिखा है। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था, सबसे पहले ए ऑप्शन दिया था 2002, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया था सन 1966, सी ऑप्शन दिया था 1969 और यहाँ पे डी ऑप्शन था 1983। तो यहाँ पे आप सभी को मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी कहोगे कि दो सर इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर 1969 को ये बिल पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे सामने देखने को मिल गया। अब यहाँ पे हमने ये जो सीड एक्ट है इसके बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो बीज सूचकांक है जिसे सीड इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बीज सूचकांक या सीड एक्ट, सॉरी सीड इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको जो बेसिक तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, जैसे आपके सामने कोई कॉपी है, यहाँ पे आपके सामने कॉपी है, जब आप प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हो उस प्रैक्टिकल की फाइल पे सबसे पहला पेज होता है उस पे इंडेक्स लिखा होता है, क्या लिखा होता है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कंफ्यूज सबसे ज्यादा किस में रहता है, एक तो रहता है 100 बीजों का और एक रहता है 1000 बीजों का, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हो कि सीड इंडेक्स किसे कहते हैं और सीड वेट किसे कहते हैं, तो आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से आप करोगे। तो सबसे पहले इंडेक्स लिखा होता है, यानी कि एक ही पेज होता है, इस पेज के अंदर हमने कम अक्षर लिखे, यानी कि हमारे पास में जो एक ही पेज था इस पेज के अंदर क्या किया हमने, कम ही अक्षर लिखे, हमने इसमें क्या किया भी कम ही अक्षर लिखे, इन कम अक्षरों में क्या ही हमने देख लिया कि इस फाइल के अंदर हमारा ये मैटर है, यानी कि 100 बीजों के जो वेट होता है, यानी कि 100 बीजों का जो भार होता है उन्हें क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। दोबारा से सुनिए, देखिए कम जरूर यानी कि जो कम है, यानी कि कम क्या है 100 बीज है, तो जो कम बीज है उनको कहते हैं 100 बीज, यानी कि 100 इंडेक्स, यानी 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सीड इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यह है बड़े आकार के बीजों के लिए काम में लिया जाता है, जैसे मूंगफली, मक्का, चना, मटर आदि, इन सभी के लिए काम में लिया जाता है। तो मूंगफली का जो टेस्ट वेट है वो कितना, सॉरी सीड इंडेक्स है वो कितना होता है, तो आप सबको यहाँ पे मैं सारणी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन इसके साथ में आप सभी को यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए सीड इंडेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, सीड इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे सीड इंडेक्स की बात करते हैं, चना का यहाँ पे लिखा हुआ है 16 ग्राम हो जाएगा, मक्का का यहाँ पे 20 से 25 ग्राम हो जाएगा, मटर का यहाँ पे 35 से 40 ग्राम हो जाएगा, जो मूंगफली है उसका 45 ग्राम हो जाएगा और सोयाबीन का है वो 10 से 15 ग्राम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोयाबीन का वो कितना हो जाएगा 10 से 15 ग्राम हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि चने का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है, सॉरी चने का सीड इंडेक्स कितना होता है, तो आप चने का जो सीड इंडेक्स है वो कितना होता है 16 ग्राम होता है। इससे संबंधित यानी कि सीड वेट से संबंधित और सीड इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो आप सभी जो दोस्त हैं एक बार इसको देख लेना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आप हमारे सामने आता है वो टेस्ट वेट का आता है, यानी कि टेस्ट वेट है वो कितने बीजों का होता है, 1000 बीजों का जो भार होता है उसे टेस्ट वेट कहते हैं, 100 बीजों के भार को कहते हैं हम क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। और जो यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ोगे तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो बेटर रहेगा हिंदी से, और यहाँ पे जो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे यह छोटे व हल्के बीजों के लिए काम में लिया जाता है, जैसे एग्जांपल में गेहूं, धान, सरसों, तिल और गेहूं सा, तो यहाँ इन बीजों के लिए ये काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले जो धान है, धान का सीड वेट कितना होता है, तो 25 ग्राम होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों है, आप सभी जो दोस्त है इसको भी एक बार स्टार दे देना है, क्योंकि इससे संबंधित आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आप सभी को आगे मैं पूछने वाला हूँ, जो कि आपका ये एग्जाम जेट 2021 का जो एग्जाम हुआ था ये इसमें पूछा गया था, किसमें, जेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें क्या पूछा था कि
सरसों का 1000 बीजों का वजन कितना होता है, तो वहां पे ऑप्शन में 5 से 6 ग्राम दिया हुआ था। तो आप सभी जो दोस्त है इसका जो आंसर है वो क्या करोगे, 5 से 6 ग्राम या 6 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद में बासमती धान का कितना हो जाएगा दोस्तों, बासमती धान का है वो यहाँ पे हो जाएगा 21 ग्राम और गेहूं का हो जाएगा 40 ग्राम, गेहूं सा का 2 ग्राम और सरसों का कितना 6 ग्राम और तिल की बात करेंगे तो कितना 3 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने जो सीड वेट है वो मैंने दिखा दिया। इसके साथ में जंगली सरसों का अगर बात करेंगे तो जंगली सरसों का 190 मिलीग्राम हो जाएगा, कितना जंगली सरसों का है वो कितना 190 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे किस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सीड वेट है वो सीड इंडेक्स है वो किस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो फोटो वगैरह शायद इसमें पीडीएफ में नहीं लगाएगी तो आपको नहीं दिखा सकता, अगर लगाई होती तो आपको दिखाऊंगा। आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस हिसाब से टैग होता है इनका और टैग का कलर क्या रहता है, वो सारा अपन बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे इनके बीजों के प्रकार, यानी कि बीजों के प्रकार है, इनको प्रोडक्शन के हिसाब से इनको डिवाइडेशन किया हुआ है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, वैसे तो 5 भाग होते हैं लेकिन इनको 4 भागों में बांटा गया है, जो कि इंडिया में 4 प्रकार के होते हैं, जबकि अगर बात करेंगे वर्ल्ड में तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचवें का जो नाम है वो रजिस्टर्ड बीज होता है, जो कि फाउंडेशन सीड से प्राप्त होता है। किससे होता है, फाउंडेशन सीड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे फिलहाल अपने जो 4 सीड है उन 4 सीडों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला सीड है इस सीड का नाम है मूल केंद्रक बीज, जिसे न्यूक्लियस बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस बीज कहते हैं। दूसरा हो जाएगा ब्रीडर, यानी कि ब्रीडर बीज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फाउंडेशन सीड और चौथा हो जाएगा सर्टिफाइड सीड। कौन सा हो जाएगा, सर्टिफाइड सीड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 4 का नाम बताया। अब बात करेंगे हिंदी में जो ब्रीडर बीज है उसको प्रजनक बीज बोलते हैं, और जो फाउंडेशन बीज है इसको क्या बोलते हैं, आधार बीज बोलते हैं, और सर्टिफाइड बीज है इसको क्या बोलते हैं, प्रमाणित बीज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है जेट एग्जाम में भी, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के दोस्तों को मैं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है एक तो आया हुआ है जेट के अंदर, इसके साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट सारणी है जो कि काफी बार पूछा गया है, इससे संबंधित टैग कलर पूछा गया है, या फिर इसमें इनका जो स्रोत है वो पूछा गया है, या फिर इनमें से ये पूछा गया कि मदर बीज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो पहले मूल केंद्रक बीज है इसके बारे में पढ़ते हैं कि मूल केंद्रक बीज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रजनक यानी कि जो उत्पादन देने वाला होता है, यानी कि जो पहली बार जो बीज प्राप्त करता है, यानी कि जो पहली बार बीज को प्राप्त किया, यानी कि कोई हमारे पास में कोई पौधा है इसके अच्छे हमने क्या किया, भी यहाँ पे ये पौधा है इस पौधे से अच्छी वैरायटी हमें प्राप्त हुई, तो जो पहली बार जो पर्सन है यानी व्यक्ति तैयार करता है ये बीज होता है मूल केंद्रक बीज। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि प्रजनक के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रारंभिक बीज कौन सा होता है, तो प्रारंभिक बीज कौन सा होता है, वो मूल केंद्रक बीज होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो मूल केंद्रक बीज होता है इसमें अनुवांशिक शुद्धता 100% होती है और फिजिकल प्योरिटी है वो कितनी होती है, वो भी 100% होती है, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी है वो कितनी होती है, 100% होती है, ये दोनों है वो 100% होती है। अब बात करें यहाँ पे टैग का कलर, तो यहाँ पे दोस्तों टैग का कलर है वो किसी प्रकार का टैग का कलर नहीं होता। क्या दोस्तों, यहाँ पे टैग का कलर है वो किसी प्रकार का नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो पौधा है वो क्या लिखा है, पादप प्रजनक या जीन बैंक के द्वारा ये जो बीज है वो तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पादप प्रजनक या बीज यानी कि जीन बैंक के द्वारा ये बीज तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा था वो जेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था, वो आप सबको मैंने पूछ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे ये जो बीज है यानी कि मूल केंद्रक से प्राप्त होने वाला बीज कौन सा है, वो है ब्रीडर बीज, यानी कि दूसरे बीज की बात करते हैं हम, ब्रीडर बीज यानी प्रजनक बीज। यहाँ पे इन दोनों बीजों के अंदर 100% फिजिकल प्योरिटी होती है और 100% ही अनुवांशिक शुद्धता होती है। इन दोनों बीजों में क्या होती है, 100% यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी एंड यानी भौतिक शुद्धता और अनुवांशिक शुद्धता दोनों में होती है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे इनका जो टैग कलर है, यानी कि टैग का रंग है वो किस रंग का होता है,
पीले रंग का होता है। यहाँ पे इनका टैग याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा, आप सभी अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आप सभी के लिए डेली की इसी तरह की क्लासेस चलती रहेगी और ऑनलाइन कोर्स भी आप सभी को अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जो यानी कि यहाँ जो प्रजनक बीज है इसके टैग का कलर कौन सा होता है, पीले रंग का होता है। और ये जो बीज है वो किससे प्राप्त होता है यानी कि किसका स्रोत है, वो है यहाँ पे मूल केंद्रक, यानी कि मूल केंद्रक बीज से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको टैग दिखाता हूँ कि किस कलर का टैग होता है। यहाँ पे आपके सामने टैग दिखा देता हूँ, आप सभी जो दोस्त है वो एक बार देखोगे कि इस तरह का आपको टैग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने येलो कलर का टैग है, वो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो रखी है। लेकिन आप सभी एक बार देखोगे यहाँ पे जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये जो थैले हैं, ये थैले दिखाए हुए हैं, इन थैलों के ऊपर येलो कलर का दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी येलो कलर का टैग है। तो इस तरह का एक टैग लगा रहता है, वो आप सभी देख लोगे कि इस तरह का टैग होता है। ठीक है, आपको आगे मैं दिखाऊंगा सारे टैग है वो एक साथ में दिखा दूंगा। फिलहाल अपन बात करेंगे इनके जो कलर वगैरह है, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद में जो आधार बीज है, इस आधार बीज को अपन बात करेंगे, इस आधार बीज को अपन मदर सीड भी बोलते हैं, क्या मदर सीड भी बोलते हैं, फाउंडेशन बीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो अनुवांशिक शुद्धता है वो 98 होती है यानी कि 98% होती है, और फिजिकल प्योरिटी है वो भी कितनी होती है, 98% होती है, यानी कि भौतिक शुद्धता भी 98% होती है। और जो इसमें जो बीज का रंग है यानी बीज का जो टैग यहाँ पे जो थैले का जो टैग का रंग है वो कौन सा होगा, सफेद रंग का होगा। और ये जो बीज प्राप्त होता है वो कौन से बीज से प्राप्त होता है, प्रजनक बीज से प्राप्त होता है। कौन से बीज से, प्रजनक यानी ब्रीडर बीज से प्राप्त होने वाला बीज कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बीज है फाउंडेशन बीज होगा। ठीक है, जिसे अपन आधार बीज बोलते हैं। फिर उसके बाद में 4 नंबर बीज आता है जिसे प्रमाणित बीज बोलते हैं, जिसे सर्टिफाइड सीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफाइड सीड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो बात करेंगे कि इनकी जो अनुवांशिक शुद्धता है और यहाँ पे फिजिकल प्योरिटी है, ये सर्टिफाइड एजेंसियों के द्वारा जो बीज है वो तैयार किया जाता है। ये बीज तैयार किया जाता है उनकी जो एजेंसियां तैयार करती है उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं, लेकिन अनुवांशिक शुद्धता है वो लगभग 95 से आसपास होनी चाहिए। अनुवांशिक शुद्धता और फिजिकल प्योरिटी है वो यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिलेगी, लगभग 90 देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अब जब भी आप सीड लेने जाओ, आपको बोल दिया जाए कि सीड लेने जाना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, तो उसमें आप सबसे पहले देखोगे इसकी जो अनुवांशिक शुद्धता कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, और इसमें साथ में आप सब देखोगे कि इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है क्या नहीं है, वो बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो कलर है वो किस रंग का होगा, नीले कलर का टैग होगा। ठीक है, अब ये बीज है वो किससे प्राप्त हो रहा है, आधार बीज से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे आपको टैग यानी कि टैग याद करना है कि सर हमें टैग याद करने की ट्रिक बताओ कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो टैग का कलर है वो क्या हो जाएगा, पी से डी। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पी से डी। तो देखिए यहाँ पे पी का क्या हो गया, पीला, और सह का मतलब क्या हो गया, सफेद, और नी का क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा, यहाँ पे आप टैग इस तरह के देख सकते हो। अब यहाँ पे आप सबको मैं टैग दिखाता हूँ कि किस तरह के टैग होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने जो टैग है वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो अपना जो सबसे पहले कौन सा बीज था जिसमें येलो कलर का टैग था, कौन सा टैग था यानी कि येलो कलर का, यानी कि अपना जो आधार बीज ब्रीडर बीज जिसे पादप प्रजनक बीज बोल रहे थे, प्रजनक बीज है उसके अंदर ये अपन को ये टैग देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये थैले के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फाउंडेशन बीज क्या है, आपके सामने आधार बीज को फाउंडेशन सीड बोला हुआ है, यहाँ पे टैग मोर भी लगी हुई, यहाँ पे फाउंडेशन सीड दिखाया हुआ है, वीट का जो बीज है, और यहाँ पे जो वेराइटी वगैरह है, यहाँ पे लाइन वगैरह है, यहाँ पे जो फिजिकल प्योरिटी और इनप्योरिटी यानी कि वो फिजिकल प्योरिटी और इसके साथ यानी कि जेनेटिक प्योरिटी यानी कि अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, इन दोनों के बारे में बात की गई है।
ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो अपना सर्टिफाइड सीड था, कौन सा सर्टिफाइड सीड था, यहाँ पे आपके सामने ये टैग लगा हुआ है, ये पीछे थैले का निशान दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये टैग है और यहाँ पे सर्टिफाइड यानी कि जो अपना प्रमाणित बीज है उस प्रमाणित बीज पे किस रंग का टैग होता है, यहाँ पे इस नीले रंग का टैग होता है, यहाँ पे आपके सामने दिखाया हुआ है किस तरह का टैग होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने टैग दिखा दी। अब बात करते हैं